विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि पर मावे और भांग से भगवान का आकर्षक श्रृंगार किया गया। इस दौरान भगवान के मस्तक पर त्रिपुंड से उन्हें सजाया गया और फिर भस्म आरती की गई। महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित आशीष गुरु ने बताया कि सोमवार सुबह बाबा महाकाल का शुद्ध जल से स्नान करने के बाद उनका पंचामृत स्नान किया गया। श्रावण मास के तीसरे सोमवार पर बाबा महाकाल के दर्शनों के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं मंदिर पहुंचे थे, जिन्होंने श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति की नई व्यवस्था के तहत बाबा महाकाल के दर्शनों का लाभ लिया। बाबा महाकाल के दरबार के अंदर श्रावण मास शुक्ल पक्ष और तिथि प्रतिपदा है। आज तीसरा सोमवार बाबा महाकाल के दरबार में भक्त लोग बाबा महाकाल की भस्म आरती का आनंद ले रहे हैं। लाखों हजारों भक्त आज दिन भर बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। सुबह प्रातःकाल बाबा की भस्म आरती में भगवान को दूध दही घी से शक्कर पंचामृत नाना प्रकार के फलों के रस से भांग से स्नान कराया गया है। केसर से बाबा का स्नान किया गया है। मावा और भांग का बाबा महाकाल पर श्रृंगार किया गया है। महाआरती के साथ में यह महापर्व सोमवार का प्रारंभ हुआ है। लाखों भक्त आज दिन भर में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। जय माता के पक्षी राजपुरा गांव की हक्की पिक्की जनजाति द्वारा 108 सूखी और हरी जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया जाता है। ये आदिवासी लोग सालों से इस तेल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इसलिए आज तक इन्हें बालों से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं हुई है। इस तेल से बालों का झड़ना, गंजापन, बालों का कमजोर होना जैसी दर्जनों समस्याएं चुटकियों में ठीक हो जाती हैं। इतना ही नहीं, ये तेल बालों को घना करता है, नए बाल उगाने और बालों को लंबा करने में भी मदद करता है। अभी तक लाखों लोग इस तेल का इस्तेमाल करके अपने बालों की दिक्कतों को दूर कर चुके हैं। जय